अपराधियों पर पुलिस की ढीली पड़ती नकेल, चोर मचा रहे धूम। बीती रात पुलिस चौकी बस स्टेशन के निकट सहकारी दूध भंडार पर चोरों ने किया हाथ साफ। दुकान मालिक का 80,000 रुपयों की चोरी होने का दावा। कुछ दिन पहले नए बस स्टेशन के आसपास एक साथ 6 से 7 दुकानों के ताले तोड़ चोरी कर चोरों ने धूम मचाई थी। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीती रात चोरों ने एक सहकारी दूध भंडार की दुकान को अपने निशाने पर लेते हुए करीब 80,000 के रुपयों का सामान और नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार के अनुसार चोर दुकान से फ्रिज में पड़ी दूध दही छाछ से भरी कई थैलियां समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री, गल्ले में पड़ी नगद राशि के साथ दुकान में लगे इनबिल्ट मेमोरी वाला CCTV कैमरे को भी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकानदार को शनिवार सुबह हुई। जब दुकान पर उसके बेटे ने जाकर देखा तब पता चला। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंच मौका मुआयना कर मामला दर्ज करवा कर जांच शुरू करेगी। किराना का सारा सामान लेके चले गए, ब्लूटूथ ईयरफोन, हेडफोन वगैरह सब लेके चले गए, और दूध जितना भी मतलब हमारे फ्रिज में दूध वगैरह पड़ा हुआ था सब वो दूध वूध लेके चले गए, और आखिरी में जाते उन्होंने देखा कि CCTV कैमरा भी था तो वो भी उखाड़ के लेके चले गए। कितना करीब कितना सामान ले गए आपके यहाँ? 70,000-80,000 का।